तो दोस्तों आइए देखते हैं एक एडवांस डेयरी फार्म जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। जैसा कि हम आपके साथ पिछले कुछ दिनों से एडवांस डेयरी फार्म्स की वीडियोस शेयर कर रहे हैं, उसी कंटेक्स्ट में हम ये वीडियो लाए हैं। इस डेयरी फार्म का नाम है गुरु कृपा डेयरी फार्म और ये डिस्ट्रिक्ट मोगा पंजाब में है। हम इस वीडियो में इस डेयरी फार्म में इस्तेमाल होने वाली लेटेस्ट मशीनरी की कुछ वीडियोस शेयर करेंगे। जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पे एक ग्रास कटिंग मशीन को देख पा रहे हैं, इस मशीन से ये दो ट्रैक्टर की मदद से अपने कैटल के लिए ताज़ा जो है ग्रास कलेक्ट कर रहे हैं। ये वीडियो हमने काफ़ी डिटेल में शूट किया है। इस किस्म के वीडियोस अभी तक आपने विदेशी डेयरी फार्म्स के देखे होंगे। इंडियन डेयरी फार्म का इतना एडवांस वीडियो YouTube पे हमने पहली बार ही अपलोड किया है। इस वीडियो में हम आपके साथ इस डेयरी फार्म में इस्तेमाल होने वाले कई और भी आधुनिक उपकरणों की जानकारी शेयर करेंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। इस डेयरी फार्म में ज़्यादातर जो एक्टिविटी है वो मशीनों की मदद से की जाती है। ऐसा करने से इनको लेबर की काफ़ी बचत होती है और काम भी बहुत ही ज़्यादा परफेक्शन के साथ होता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने बहुत ही कम समय में एक ट्रैक्टर भर के जो है ग्रास इकट्ठा कर लिया है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, अभी इन्होंने जो ताज़ा ग्रास इकट्ठा किया था अभी उसे ये TMR में मिक्स कर रहे हैं। ये काम भी ये अपने हाइड्रोलिक की मदद से कर रहे हैं, कोई भी लेबर इसमें इन्होंने इन्वॉल्व नहीं की है। ऐसा जो दृश्य है पहले विदेशी वीडियोस में हमें देखने को मिलता था, बट ये देख के बहुत ही खुशी होती है कि अभी हमारे देश के जो डेयरी फार्मर्स हैं, मैं कहूँ कि प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर्स हैं, वो भी टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं।
अभी ये TMR के अंदर डिफरेंट डिफरेंट किस्म का जो वंडा है उसे अपने हाइड्रोलिक की मदद से लिफ्ट करके मिक्स करेंगे। TMR जो होता है उसमें डिफरेंट किस्म का जो चारा होता है वो बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है, और ये जो चारा होता है ये पशु को हज़म करने में भी बहुत ही आसान रहता है। मिक्स करने के बाद ये जो मशीन है TMR ये पशुओं को चारा परोसने का भी काम बहुत ही अच्छी तरीके से करती है। जैसा कि अब वीडियो में आप देख ही पा रहे हैं, ये होलिस्टीन काउज़ को चारा डाल रही है। आप देख सकते हैं कि केवल एक ही व्यक्ति इतनी बड़ी जो है डेयरी उसको मैनेज कर पा रहा है। काफ़ी अच्छी नस्ल की होलिस्टीन फ्रीशियन काउज़ को इस डेयरी फार्म में इन्होंने रखा है। यदि आप एक अच्छा डेयरी फार्म बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा। उसमें सबसे पहला आता है कैटल का सिलेक्शन। जो आप कैटल सेलेक्ट करें वो बढ़िया ब्रीड के होने चाहिए। उसके बाद उनसे अच्छा दूध लेने के लिए आपको उनको अच्छा न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। तो जब आप अच्छा न्यूट्रिशन देना अगर चाहते हैं तो जैसा आपने इस वीडियो में देखा कि इन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए TMR का यूज़ किया और बेहतरीन न्यूट्रिशन अपने जो है कैटल्स को प्रोवाइड किया।
तो अभी आप इनकी बेहतरीन ब्रीड की जो होल्स्टीन काउज हैं उनको चारा खाते हुए देख सकते हैं। जो TMR से बना चारा है वो डाइजेस्ट करने में इजी रहता है और पशु उसे काफ़ी उत्साह के साथ खाता है और उसका डाइजेशन प्रोसेस भी आसान हो जाता है। हम अपने व्यूवर्स से रेगुलरली सजेशन मांग रहे हैं। यदि आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो उसे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करें। यदि आपके पास कोई सुझाव है तो उसे भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। हम अपने आने वाले वीडियोस में आपकी क्वेरीज, डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा न्यूट्रिशन देने के साथ साथ आपको अपने पशु को अच्छी हाइजीन देना भी बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि वीडियो में आप देख पा रहे हैं, इन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हाइड्रोलिक की मदद से एक वाइपर बनाया है, जिससे कि डेयरी में पशुओं का जो गोबर है उसे क्लीन किया जा रहा है। ऐसा करने में इन्होंने किसी भी लेबर का, ह्यूमन इंटरवेंशन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। आप हाइड्रोलिक की मदद से चलने वाले वाइपर को अपनी स्क्रीन पे अभी देख सकते हैं। हम इस किस्म के वीडियोस रेगुलरली अपने चैनल पे अपलोड कर रहे हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें और पास लगा बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आप आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन से अपडेट रह सकें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।